ये दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे प्रोग्राम को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, रोज नए नए प्रश्न कर रहे हैं। मैं भी आपको सहयोग देते रहूँगा। मेरा प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, फिर भी आपके सहयोग के लिए मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308। आज मैं आपको एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर कुंडली में गुरु अकेला बैठा हो तो किस राशियों पर क्या प्रभाव देता है। प्रत्येक राशियों का मैं आपको प्रभाव बताता हूँ। मेष राशि से मीन राशि तक गुरु किस घर में क्या प्रभाव देता है, किस राशि में क्या प्रभाव देता है। गुरु नौ ग्रहों का राजा है। गुरु ही चरित्र का निर्माण करता है। गुरु ही आपके सामाजिक प्रतिष्ठा देता है। गुरु एक ऐसा है कि ग्रह है जो जीने का तरीका बताता है। गुरु ही आपको को दूर दूर तक सम्मान दिलाता है। गुरु ग्रह ही आपको संसद विधायक बनाता है। गुरु ग्रह ही आपको प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर और डॉक्टर बनाता है। अब आप प्रत्येक राशि का प्रभाव सुन लीजिए। जिस के कुंडली मेष राशि का गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग की सोच अच्छी होती है, कार्य करने की क्षमता अच्छी होती है, स्वाभिमानी होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं और कुछ कर गुजरने की में तमन्ना। जिसके कुंडली में वृषभ राशि का गुरु हो, ऐसे लोग गलत धन नहीं कमाते हैं, ऐसे लोग कभी धन के लिए चरित्र नहीं बर्बाद करते हैं, ऐसे लोग कभी देवालिया नहीं होते हैं, ऐसे लोग कभी भीख नहीं मांगते हैं, ऐसे लोग कभी भी कर्जे से ऋणी नहीं रहते हैं। जिसके कुंडली में मिथुन राशि का गुरु बैठा हो, क्या बात है, इनको माता पिता से करोड़ों की जायदाद मिलती है, माता पिता के प्रिय होते हैं, भाई बंधुओं के प्रिय होते हैं और दूर दूर तक इनकी इज्जत प्रतिष्ठा फैलती है। जिस व्यक्ति का कर्क राशि का गुरु हो, दोस्तों कर्क राशि का गुरु उच्च का हो जाता है, ये अच्छे पद की प्राप्ति कराता है, अच्छा उद्योगपति बनाता है, अच्छा राजनीति में सफलता देता है, विदेश भेजता है और कलाकार और वैज्ञानिक बनाता है। जिस व्यक्ति के कन्या सिंह राशि में, गुरु बैठा हो, ये शिक्षा में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, हमेशा पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं और बहुत कम उम्र पर ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। इनके संतान भी योग्य होते हैं, संतान भी इनके सामाजिक अच्छा इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति के कन्या राशि का गुरु हो, ऐसे लोग कभी जेल नहीं जाते हैं, ऐसे लोग कभी केस मुकदमा नहीं लड़ते हैं, ऐसे लोग का कभी चरित्र नहीं का हनन नहीं होता है और न दुश्मनों से कभी पस्त होते हैं। जिस व्यक्ति का तुला राशि का गुरु हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, विवादाग्रस्त रहता है, महिला है तो पति से, पति है तो पत्नी से विवाद रहता है और कभी कभी पारिवारिक केस मुकदमा भी लड़ना पड़ता है। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि का गुरु बैठा हो, ये बहुत अच्छा है, ये संगीतकार बनाता है, ये एथलेटिक खिलाड़ी बनाता है, सोच अच्छी बनाता है, परंतु स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव गंदा होता है। ये हड्डियों के जोड़ में तकलीफ देते हैं। जिस व्यक्ति का धनु राशि का गुरु हो, ये अक्षमातिक सरकार से पूछे जाते हैं, अक्षमातिक पद की प्राप्ति करते हैं, अच्छे दूर दूर तक इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, वाहन सुख सांसारिक सुख इनको पूर्ण मिलता है, अच्छे जमीन मकान के मालिक होते हैं। जिस व्यक्ति के मकर राशि में गुरु बैठा हो, दोस्तों मकर राशि का गुरु नीच का हो जाता है। ऐसे कुंडली वाले भाग्यहीन होते हैं, परिश्रम का लाभ नहीं ले पाते हैं, जीवन इनका कर्जे में जाता है, कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं।
जिस व्यक्ति का कुंभ राशि का गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे लोग सरकार से पूजे जाते हैं, सरकार से अच्छे पद की प्राप्ति होती है, विदेश जाते हैं और विदेश से धन कमा के आते हैं। जिस व्यक्ति का मीन राशि का गुरु हो, क्या बात है, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं, कभी भीख नहीं मांगते हैं, कभी कर्जदार नहीं होते, इनके संतान योग होते हैं और समाज में पूजे जाते हैं, ये उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैंने गुरु किन राशियों पर क्या प्रभाव है आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको सुने। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझको कॉन्टैक्ट करें, मैं सहयोग करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।